नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त आप अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है अपर रीजन में कहीं ना कहीं जोरदार जो है धुआंधार बारिश जो है देखने को मिल रही है। इसी बीच जो है पाडर की अगर हम बात करें तो पाडर के अपर रीजन में जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अभी हमारे साथ फोन कॉल पर बात करने के लिए श्री राम जी जुड़ चुके हैं जो कि लिगरी पंचायत के रहने वाले हैं। इनका कुछ एक खास जो है मुद्दा है उससे बात करेंगे। श्री राम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जम्मू लद्दाख विजन में। आपको भी शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज, जैसे कल रात से ही जोरदार जो है बारिश जो है वो पड़ रही है और इसी बीच में आज आपको क्या जरूरत पड़ी मीडिया से बात करने की, क्या मुद्दा है आपका? सर, हमें इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो भी ये बारिश होती है सर जी, तो हमारा जो पंचायत डिग्री पड़ता है सर, इसमें जो रोड पीएमजीएसवाई द्वारा जो बनाए गए सर गुलाबगढ़ से डिग्री के लिए जी, तो इस रोड का सर फायदा तो हुआ सर हमारे पंचायत को, लेकिन साथ साथ इस रोड का हमें बहुत ही नुकसान है सर जी। खास करके जो हमारा मोड़ा हमीरपुरम पड़ता है सर जी, इसमें लगभग कोई 48+ जो हाउस होल्ड है सर वो रहायश पजीर है यहाँ सर जी। वो रोड जब इन्होंने बनाए सर, तो इन्होंने इस रोड में ना कोई ड्रेनेज सिस्टम रखा ना कोई ब्रेस्ट वाले वगैरह लगाए सर जी। इसका कारण यही है सर कि जब भी ये बारिशें हो जाती है सर जी, तो बारिशें हो जाती है तो हमें सर गांव छोड़ के यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि पानी जितना भी है सर जो डिग्री पंचायत से जितना भी पानी है वो जमा होकर सर वो रोड पे जमा हो जाता है जी। और जैसे ही रोड पे आता है तो बस सीधे वो रोड से नीचे आ जाता है, तो नीचे हमारा जो गांव है सर जी, तो वो हमें जमा पड़ता है, तो ये सारे मकानों में आ जाते हैं सर। खास करके साल 2016-17 में भी ऐसी बारिश हुई थी सर जी जी, तो हमारे लोगों की इतनी जमीनें कट गई जो कि ना काबिले कॉस्ट हो चुकी हैं सर, वो बिल्कुल लगाने के काबिल नहीं है सर जी। तो रात को हम सर क्या करेंगे, हम अपने बच्चे हैं बूढ़े हैं सर बुजुर्ग हैं, उनको कहाँ ले जाएंगे रात को जी। हम सर अपने एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं सर कि इस रोड का जो ये पानी है सर इसका कहीं निकास किया जाए ताकि हम भी यहाँ आराम से रह सकें, क्योंकि जो भी बारिश होती है तो हमें यहाँ रहने के लिए बिल्कुल ही दिल नहीं करता है सर, क्योंकि जान बूझ के कैसे बैठे इस गांव में जी। जी श्री राम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने जो वीडियो मुझे भेजी है उसमें साफ दिख रहा है कि पूरा का पूरा पानी जो है इकट्ठा होकर नीचे आ रहा है, तो आपने इससे पहले पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से इसके बारे में बात करी या अभी तक आपकी बात नहीं हुई है किसी से? नहीं सर, बात तो हुई है, खुद मैं गया सर किश्तवाड़ ये एक्सिन के पास गए थे, उनको मैंने सर बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है रोड का पानी जो है सर सारे नीचे आ जाते हैं और आपने इस रोड में कोई ये ड्रेनेज वगैरह नहीं बनाई है, ऐसे फॉर्मेलिटी उन्होंने सर बनाई हुई थी, बीच में एक जियो कंपनी हो गई, उन्होंने भी वहाँ सर थोड़ा वो फिर डैमेज कर दिया सर जी, क्योंकि आप खुद ये देख सकते हैं सर आपको जो मैंने ये वीडियो जो भेजे है सर, क्योंकि ये पानी को ऐसे हम रोक नहीं सकते हैं सर, इसको ये रोकने के आई नहीं, क्योंकि इसमें अगर 10 फीट के अगर स्लीपर बिठा देंगे इसको बहा के ले जाते हैं सर जी जी। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं सर कि अगर इतना ये पानी अगर नीचे आ जाएगा तो हम यहाँ क्या बच सकते हैं सर, ये तो ना बचने की बात ही नहीं है सर, ये तो सर सर ना इंसाफ है ना हम पे सर जी। अब रोड निकालो, रोड की हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, चलो ये तो हमारे लिए भी अच्छी अच्छी बात है सर, लेकिन हमारे गांव को इन्होंने तो बिल्कुल नजरअंदाज करके रखा है ना सर, ये थोड़ा है हम भी तो लोग बसते हैं ना, यहाँ डांगे तो बसते नहीं है सर जी जी। श्री राम जी, क्या निवेदन रहेगा आपका डीसी किश्तवाड़ से और एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारे सर डीसी साहब से यही निवेदन है कि आप एक बार खुद यहाँ कर विजिट करें, खुद देख यहाँ इनको वाकई यहाँ ये खतरा है कि नहीं है सर जी, और अपने जो यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है इनको सर हम ये अलॉट करना चाहते हैं सर जी जी, दो दौर बारिशें हो रही है, ये डिपार्टमेंट को कहें कि वहाँ मशीन वगैरह ला के रखे ताकि ये ना हो कि बाद में ये कहें कि इन्होंने हमें बताया नहीं सर जी जी। यहाँ किसी किस्म का भी सर अगर नुकसान हो जाएगा सर, इसका जिम्मेवार यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट रहेगा सर जी जी। धन्यवाद श्री राम जी, आपने वहाँ की जो हालत जो बताई, इसी बीच हम भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करेंगे कि जोरदार बारिशें हो रही है और इसमें कहीं न कहीं जो है बड़ा हादसा होने की जो है कहीं न कहीं संभावना रहती है, और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी तरफ से आग्रह रहेगा कि इस पानी का कहीं कहीं निकास जो है बनाया जाए ताकि जो है लोगों को कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। फिलहाल ऐसी खास अपडेट के लिए जम्मू लद्दाख विजन के साथ बने रहे, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।